अगर आप भी अपना खुद का एक सुपरमार्केट बनाना चाहते हैं, अगर आप भी अपना एक मिनी मार्ट खोलना चाहते हैं, सुपरमार्ट खोलना चाहते हैं, एक ग्रॉसरी स्टोर खोलना चाहते हैं, 1000 स्क्वायर फीट में खोलना चाहते हैं, 2000 स्क्वायर फीट में खोलना चाहते हैं, आपके लिए ये वीडियो है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आपको कॉल करके बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि भाई कॉल्स बहुत आते हैं, उनको डिटेल में समझाना पड़ता है। देखिए, अगर आपका एक प्लान है मिनी मार्ट खोलने का, ग्रॉसरी स्टोर खोलने का, तो आप उसे ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे खोलें, इसके लिए हमने कई वीडियो बनाई हैं जिसमें आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको नहीं नॉलेज मिलता, नहीं समझ में आता, आप स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने स्कीम लॉन्च की जिसको कहते हैं सुपरमार्केट कंसल्टेंसी। अब उस सुपरमार्केट कंसल्टेंसी में हम क्या करते हैं, हम अपनी टीम आपके शहर में भेज करके और आपका सुपरमार्केट रेडी कराते हैं। इसमें क्या होना है, ये है एक कंसल्टेंसी बेस्ड प्रोग्राम, ये कोई फ्रेंचाइजी कंपनी नहीं है, कंसल्टेंसी बेस्ड है, जिसमें आपको एक कंसल्टेंसी फ़ीस देनी है और उस फीस में हम आपको एक सुपरमार्ट तैयार करके देंगे। अब इस सुपरमार्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी भाई, क्या होगा, प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस सिंपल है कि आप सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जो नक्शा है, आपका जो जहाँ पे सुपरमार्ट खोलना चाहते हैं उसका फ़ोटो और वीडियो व्हाट्सएप में सेंड करिए दिए गए नंबर पे। उसके बाद हम उसे देखेंगे, समझेंगे कि कितना बड़ा जगह है, उस हिसाब से एक हम उसका मैप रेडी करेंगे और आपके यहाँ पे जो है आ करके विजिट करेंगे, देखेंगे लोकेशन कैसी है, साइट कैसी है, और इसके बाद हम आगे काम शुरू करवा देंगे। अब काम क्या क्या होगा भाई, काम ये होगा कि आपका सच में अगर मूड है, जेन्युइन मूड है, तो ही आप बात करें, ऐसे टाइम पास करने के लिए फ़ोन ना करें तो भी बेहतर है, अगर आपका सच में जेन्युइन में आप करना चाहते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे आपका इंटीरियर बनाएंगे। सबसे पहले इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें, इंटीरियर की पूरी लिस्ट है, सुपर मार्केट में क्या क्या चीज़ें लगती हैं इंटीरियर, इंटीरियर में भाई देखो हमको आप हॉल बना के देंगे, उस हॉल में हमें अपना एक मार्ट रेडी करना है, हमें उसका इंटीरियर बनाना है। इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें होगी भाई, टफन लगना है, रैक, फॉल सीलिंग, AC, लाइटिंग, फैन, जितनी चीज़ें अंदर लगेंगी वो सब कुछ हम लगवा के देंगे। और उसकी प्राइसिंग की अगर बात आती है तो प्राइस आपके सामने ही डिसाइड होगा, ठीक है, तो आप खुद तय करेंगे। मतलब जब देखिए, हम तो अपने यहाँ से भी टीम भेज के कर देते हैं अगर जिसको चाहिए, और नहीं तो हम आपके सिटी से ही सब कुछ अरेंज करके हम पूरा काम करवाते हैं, हम पूरा ये जो स्टोर रेडी कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला इंटीरियर, तो इंटीरियर में ये सारी चीज़ें जितनी होंगी वो सब कुछ हम करवाएंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना, हम सब बताएंगे भाई ऐसे ऐसे करना है। कंसल्टेंसी मतलब क्या होती है, आपको सिखाना, बताना, समझाना, ताकि आप समझ पाएँ, चीज़ों को जान पाएँ, तो ये कंसल्टेंसी बेस्ड के थ्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है प्रोडक्ट की बारी, प्रोडक्ट उसमें भरने की बात है, तो वो भी हम परचेसिंग कराएंगे, प्रोडक्ट वगैरह हम खरीद के जो भी है प्रोडक्ट आपके स्टोर में सब कुछ खरीदी करवाएंगे, अच्छा खासा मार्जिन भी मिलेगा उसमें, जो मार्केट में आप जाएंगे डायरेक्टली तो जो आपको मार्जिन मिलेगा उससे हम ज़्यादा ही मार्जिन दिलाएंगे आपको। प्रोडक्ट परचेसिंग जो है वो हम कराएंगे, क्योंकि हमारी अलग अलग एजेंसियों से, हर एजेंसियों से हमने बात करके रखी है, हर एजेंसी वाले हमें पहचानते हैं, जानते हैं, इसलिए वो हमें ज़्यादा मार्जिन दे पाते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट दे पाते हैं, बाय वन गेट वन प्रोडक्ट जो है वो सब मिल जाते हैं, स्कीम्स मिलती हैं, तो ये सब हो पाता है अगर हम ये करवाते हैं परचेसिंग। परचेसिंग के बाद प्रोडक्ट अरेंजमेंट की बात आती है, तो प्रोडक्ट को स्टॉक कितना रखना है, मेंटेन कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे कराना है, रैक्स में प्रोडक्ट कैसे रखना है, बिलिंग्स जो है आपकी मशीन रहेगी उसको कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे चलाना है, ये सारी ट्रेनिंग जो है हम सिखाते हैं आपके यहाँ पे जो वर्कर रहेंगे, आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉई होंगे, जो स्टाफ होगा, चाहे फिर अकाउंटेंट हो, चाहे फिर वो आपका प्रोडक्ट मैनेजर हो, सारे उनको हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अच्छे से सारी चीज़ें सीख पाएँ। इवन जो ऑनर हैं उनको भी हम सारी चीज़ें सिखाते हैं कि स्मार्ट को आगे कैसे चलाना है, प्रॉफिटेबल कैसे करना है, फ़ायदा कैसे कमाना है, ये सब कुछ जो है हम करवाते हैं। रिसेंटली हमने देखा होगा, हमारी वीडियो जो है देखा होगा कि हमने जो मार्ट बनवाए थे अभी रिसेंटली गो फ्रेश मार्ट नाम से, और इससे पहले भी हमने और बहुत सारे मार्ट बनाए लेकिन उनकी वीडियो हम नहीं डाल पाए क्योंकि उस टाइम पर हम वीडियो नहीं डालते थे, पर अभी वीडियो डालना शुरू कर दिया हमने कि भाई आप लोग की एक सहूलत हो, आप देख पाएँ, एक आपको हेल्प मिल जाए वीडियो से, तो वीडियोज़ भी हम डाल रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ, देख पाएँ, और ऐसे ही मार्ट हम लोग बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाई, देखो आपका 2000 स्क्वायर फीट में खोलना है, 3000 स्क्वायर फीट में ओपन करना है, तो अगर आप हमसे
कंसल्टेंसी लेके अगर आप 40-50 लाख रुपए कहीं लगा रहे हो तो आप एक छोटी सी कंसल्टेंसी फ़ीस दे करके ना आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप इतना अकेले कैसे मैनेज करेंगे। आप करेंगे भी तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, कहीं ना कहीं आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज नहीं रहेगा। तो इसलिए आप हमसे जुड़िए, अगर आपको जुड़ना है, जेन्युइनली ओपन करना है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो भी आपके लिए हमने कई वीडियो बनाई हैं, पर अगर आप कंसल्टेंसी लेंगे तो आपको एक सुविधा हो जाएगी, आप बेहतरीन तरीके से अपना मार्ट बना सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट अगर आपको बनाना है तो हम आपको 1000 स्क्वायर फीट का मार्ट ओपन करके देंगे। 2000 स्क्वायर फीट बनाना है तो भी हम आपका मार्ट बना के दे देंगे। 3000 स्क्वायर फीट है, 5000 स्क्वायर फीट है, कितना भी बड़ा मार्ट है, आपका पूरा मार्ट हम लोग रेडी करवा के देंगे। अगर आप चाहते हैं अपना मार्ट बनाना तो हम लोग वो बनवाएंगे। इससे करना क्या है, सिंपली नंबर दिया है उस पर बात करिए, है ना, और उस पर अपना लोकेशन भेजिए, अपना मैप भेजिए, हम वहाँ पे विजिट कर लेंगे, देख लेंगे, हमारी टीम विजिट कर लेगी, और फिर इसके बाद फाइनल होगा काम, एग्रीमेंट होगा और काम शुरू कर देंगे हम। 20 से 25 दिन लगता है 1000 स्क्वायर फीट के मार्ट में, 2000 स्क्वायर फीट है तो 30 दिन, 1 महीना, इतने में हम पूरा मार्ट रेडी कर देते हैं। अभी हमारे मार्ट जो हैं बन रहे हैं जहाँ जहाँ, उन सब की वीडियो रिसेंटली जल्दी ही आएगी, उनकी सबकी ओपनिंग होने वाली है, तो वो ओपनिंग के वीडियो भी आएंगे ताकि आप उनको देख पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ और एक अच्छा सा मिनी मार्ट ओपन कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट और प्रॉफिट कैसे कमाना है, डिस्काउंट कैसे लगाना है, प्रोडक्ट को मैनेज कैसे करना है, रैक में कैसे जमाना है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखना है, बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे चढ़ाना है, सेल कैसे करना है, कोई रिटर्न प्रोडक्ट आ गया तो कैसे करना है, तो ये सारी ट्रेनिंग हमारी रहती है, तो हम आपको सब सिखाते हैं ताकि आप उसमें माहिर हो पाएँ, आप उसको सब चीज़ें सीख पाएँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है हम काम करेंगे। आप डिसाइड करिए, बात करिए और फिर अपना प्लान बनाइए दोस्तों, और आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। रिसेंटली इस वीडियो को जाके देख सकते हैं जिसमें हमने 2000 स्क्वायर फीट में एक मार्ट बनाया था काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ के जो ऑनर हैं वो भी हमको काफ़ी सपोर्ट किए थे, है ना, और काफ़ी अच्छे थे वो भी, उन्होंने भी जब ये काम करवाया था, ठीक है, तो उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, हमने भी उनको अच्छा सपोर्ट दिया और बढ़िया से मार्ट रेडी हो गया। फिलहाल अब दोस्तों इसमें मेन सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि आप सुपरमार्केट क्यों खोलना चाहते हैं। क्या आपने कहीं से देखा है कि भाई यार वो खोला है तो मैं खोल लूँ, या उस वीडियो में देखा बहुत सारा कमाई हो रहा है तो मैं खोल लूँ, ये सब चीज़ें नहीं। आपका जेन्युइनली आपका मन है कि यार एक मिनी मार्ट हमारा होना चाहिए जहाँ पे हमारा एक छोटा सा बिज़नेस चालू हो जाएगा, उसी से फिर हम इनकम करेंगे, उसी से कमाएंगे और फिर उसी से हमारा जो है बिज़नेस चलने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले डिसाइड कर लीजिए तभी आप इस बिज़नेस में आइए, अदरवाइज़ अगर आप किसी की कॉपी कर रहे हैं तो हो सकता है आप फेल हो जाएं। तो इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा। बाकी भाई बिज़नेस अच्छा है, ये चलने वाला बिज़नेस है, चलता ही चलता है, अगर आपने इसे खोला तो ये ज़रूर आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा और लोग आपसे परचेसिंग करेंगे और आप आगे चल के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। आप इस वीडियो कहीं पर कर दें एंड, अगर आप खोलना चाहते हैं अपना खुद का मार्ट तो बिल्कुल दोस्तों कॉन्टेक्ट करिए, आपको हम पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी मदद करेंगे ताकि एक बेहतरीन मार्ट आप ओपन कर पाएँ और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ।